दुर्ग के महाराजा चौक पर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका, वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कथित बयान पर आक्रोश भी जताया। दुर्ग के महाराजा चौक पर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के कथित किसान विरोधी बयान को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय मिश्रा व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व दुर्ग निगम के एल्डरमैन रत्ना नारामदेव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर अपना आक्रोश जताया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ में किसानों को दिए जा रहे धान की 2500 रुपये समर्थन मूल्य को छत्तीसगढ़ की बर्बादी का प्रमाण मान रहे हैं। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व एल्डरमैन रत्ना नारामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खैरागढ़ में उपचुनाव है, भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी छत्तीसगढ़ में आके खैरागढ़ में कहते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की, वो छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बोनस दे रही है, अगर वो बोनस देते रहेगी तो छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा। जबकि उनको ये नहीं पता जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं उससे किसान खुशहाल है, आम जनता खुशहाल है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनकी जो 4 योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की वो आज लागू है, जिसके कारण हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। वो भूमिहीन किसानों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 6000 रुपये साल का दे रहे हैं, क्योंकि वो किसान हितैषी है, आम मजदूरों के लिए आम जनता के हितैषी की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। लेकिन एक और भाजपा की सरकार जब से केंद्र में काबिज हुई है वो किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसानों को लगातार आंदोलन करना पड़ा अपनी मांग को मनवाने के लिए, उनको अपने प्राण तक देने पड़े, लेकिन ये भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ये पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को केंद्र में रहने का अधिकार नहीं है। उनको प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सीखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जिस हाल से खुशहाल है उस हाल से अगर वो कार्य करें तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा प्रदेश पूरा देश खुशहाल रहेगा। लेकिन ये महंगाई की मार निरंतर बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, आम जनता की जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं सब महंगी होते जा रही है, हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं और ये प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। निश्चित ही उनको समझ में आ गया है कि खैरागढ़ का चुनाव वो हारने वाले हैं, इसलिए वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में। अनिश्चितता को उजागर है क्योंकि इनकी कथनियों करने में अंतर है, बोलते पूछे करते पूछे। विगत वर्षों से जब उनका शासन चल रहा है उसके बाद भी आज हमारी जो जनता है ट्राही ट्राही है, किसानों के विरोध में लोग बात करते हैं। आज किसान ऐसे मुकाम पे हैं कि उन लोगों को बहुत कदम उठाने पड़ रहे हैं, या तो वे आत्महत्या कर रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।